हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपको आज दिखाऊंगा पैटर्न। पैटर्न कैसे बनते हैं मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले फोटो लेना है। उसके बाद शर्ट का सिलेक्शन करना है। कंट्रोल जे कॉपी करेंगे। उसके बाद न्यू पेज लेंगे। ओके। एंटर। एडिट में जाएंगे, डिफाइन पैटर्न, आपको जो नाम रखना हो तो रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा न्यू पेज लेंगे। ओके। शिफ्ट बैक स्पेस करना है आपको। यूज पैटर्न। अभी जो आपने न्यू पेज लिया है उस पर हम करेंगे कंट्रोल ए कंट्रोल सी। उसके बाद सबसे पहले फोटो में आकर कंट्रोल वी करेंगे। उसके बाद कंट्रोल टी, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करना है आपको, वरना नहीं होगा। उसके बाद लेयर टू में जाकर कंट्रोल जे करना, कॉपी करना है आपको। ये बन गए शर्ट के डिजाइन। और आपको वैसा नहीं करना तो आपको और डिजाइन चाहिए तो और भी डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले न्यू पेज लेना है। उसके बाद हम कस्टम शेप टूल लेंगे। बहुत सारे डिजाइन है, आपको जो चाहे वो डिजाइन रख सकते हैं। मैं भी फिलहाल रखूंगा नए डिजाइन होगा। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद एडिट में जाकर डिफाइन पैटर्न में जाना है। उसके बाद ओके। उसके बाद फिर आपको न्यू पेज लेना है, वो पेज बड़ा रखना है। उससे आपको न्यू पेज लेना है, वो पेज बड़ा रखेंगे हम। शिफ्ट टू बैक स्पेस करना है आपको। ये बन गए अपने डिजाइन। इन पर हम करेंगे कंट्रोल ए कंट्रोल सी। उसके बाद पहले फोटो पे आकर ये फोटो अभी बंद कर देते हैं। कंट्रोल वी और कंट्रोल टी। लेयर वन पर आपको कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपको लेयर फोर पर कॉपी करना है कंट्रोल जे। कोई भी डिजाइन रखनी हो तो वो भी रख सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन है। जो आप चाहे फाइल सेव करनी हो तो सेव कर सकते हैं, वरना चलेगा। मैं अभी फाइल सेव नहीं करता हूँ, आपको करना हो तो कर सकते हैं सेव इसमें। तो
दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।